हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे चल रहा प्राणायाम। प्राणायाम में दो लोग हैं, एक नीचे है विश्राम कर रही है, एक इधर है प्राणायाम कर रहे हैं। सबको राम राम बोलेंगे, कह रहे मेरा मौन है, बस वो मौन रखता हूँ। नमस्कार। तो देखो उलट गई है, तो क्या है ये? मम्मी तुम क्या कर रही हो? हलासन तो खेत में जाके हल जोतना चाहिए ना। मम्मी से भी मिला देती हूँ, मम्मी सुबह सुबह अपनी साइड दवाइयाँ खाती रहती है बैठ के। माता क्या खा रही हो? थायराइड की दवा खा रही हूँ। थायराइड की दवा खा रही है, सुबह सुबह खाली पेट खाना होता है तो खा रही है। इसकी शक्ल मेरी शक्ल सेम है, ये जैसे मैं बूढ़ी होंगी ना इसी की तरह दिखूंगी, ऐसे आंखें मेरी ऐसे हो जाएंगी। कॉफी है दोनों एक दूसरे, मैं इसी कॉफी मैं हूँ। देखो ऐसे आंखें मेरी देखो कैसे हो जा रही है, ऐसी हो जाएंगी जैसे फुली हुई है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, मौसम एकदम काला अंधेरा। सावन का लास्ट है, मम्मी कह रही सावन का लास्ट है, सावन का लास्ट है इसलिए बारिश हो रही है। यहाँ बन रहा है पापा के लिए काढ़ा और यहाँ बनेगा हम लोग के लिए चाय, जो बनाएगी रितु। थोड़ी बहन बड़ी बहन की सेवा कर लो, तो स्लो कर दूं क्या? वो लोग कहाँ बैठेंगे? वहाँ पे हॉल में आ रही हूँ। चेयर्स। अम्मी क्या बोल रही हो? चाय पी रही हूँ। चाय पी रही हो? हाँ। भी बैठ गया यहाँ पर। अच्छा ये क्या कर रहे हैं? रिमोट लिए हैं टीवी देखने के लिए। एक्सक्यूज मी, अरे गिरा दो चावल। सिग्नल्स ही नहीं है, बारिश की वजह से हो रहा है। लो नहीं, अपने से बारिश से हो रहा है। बारिश निकाल दो बैटरी, बारिश से अपने आप बेल बजने लगती है, डोर बेल। अभी तू निकाल दिया उसकी बैटरी। निकाल दिया। ये बन रहा पापा के लिए ओट्स और इसमें उबाल रहे हम लोग केला, केले का कोफ्ता बनेगा। प्याज काटूंगी और ये नारियल कल जो थोड़ा आया था आज तोड़ना है इसको। केले का कोफ्ता बना रही हूँ तो उसको फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई होता है ये। इसके लिए बेसन घोल के रखा है और इसको बॉल बना लिया मैंने, जो उबाला था केला। और यहाँ इसका मसाला, पापा यहाँ पे नारियल तोड़ रहे हैं। फिर कैसे तोड़ेंगे? ये तो पूरा अलग अलग हो गया अच्छे से। एक ऐसा भी 3:15 हो रहे हैं और सो के उठे हम लोग, सो गए थे खाना खाने के बाद सब लोग। मम्मी तो अभी सो ही रही है और अभी मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने, तो ये दो कलर निकाला है मैंने नेल पेंट लगाने के लिए। इसके बाद हम लोग मेहंदी लगाएंगे हाथों पर, कल रक्षाबंधन है इसलिए। मम्मी खाना खाने जा रही है, राइस निकाला है। क्या कहोगी? सब्जी चावल खाएंगे। सब्जी चावल ये मम्मी यूज करती है। केले का कोफ्ता बनाया आज। ये देखो ये मम्मी का काम है, हमेशा ऐसे रख देती है बिंदिया निकाल कर अपनी। लाइट भी नहीं रहता आपके घर में, पंखा भी चलता रहता, टीवी भी चलता रहता, आवाज भी रहती है। कहाँ लाइट तेज है? और टीवी का क्या करेंगे? टीवी को बंद कर दो, जब देखो तब टीवी चलता रहता है। हाँ, मन हो शेयर करने का, काम हो, कोई बात हो, पूछो, सलाह दे, अच्छा सलाह, अच्छा विचार दे, तुमको माइंड को शांत रखती है। हाँ, आराम से शांत दिमाग से अच्छा काम होता है। ठीक है, थकान नहीं लगती है, दिन में ऊर्जा बनी रहती है। स्टार्ट करो, खाना खाने जा रही है। खूब सोई है आज, खूब सोई है, खूब सोई है। दवा भी दे दिए थे ना, ब्लड प्रेशर की दवा दे दिए थे, तो उससे नींद आती है।
नमक अच्छे से डाला है मैंने, फिर भी इसको लगता है कि नमक कम है, अलग से नमक ले के खाती है, इसलिए तो थायराइड होता है, इसीलिए होता है ना। इसको बोलते हैं गला की एक्सरसाइज करो, थायराइड कम होगा, थायराइड कम होगा तो वजन कम होगा, तो इसको समझ में नहीं आता है मेरी बात। क्यों नहीं समझती हूँ पापा की बात, उल्टे हमको हड़काती है। खाना खा ले तो पहले तो अटक जाएगा उसको, पानी लिए के ना ली है, पानी ली है, अटकता है इसको बहुत ज्यादा। Look at this. अभी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट करूंगी इसको। So, ये कम्प्लीट हो गया, अब बैक साइड में अप्लाई कर रही हूँ इसको। मम्मी मार्केट जा रही है पूजा का सामान लेने, ये देखो ये तो टेढ़ा भाग रहा है, बट ऐसे सीधे और ये अभी और पूरा लगाऊंगी सारा। मम्मी और रितु जा रहे हैं मार्केट, कल पूजा है तो सारा सामान लेकर आएंगे, गुरु पूर्णिमा भी है कल तो पूजा करनी है घर पे। आज पापा चाय बना रहे, पूछ रहे तेज पत्ता डाल दो, मैंने बोला हाँ डाल दो। देखते हैं कैसा चाय बना के लाते हैं, पता नहीं क्या लगा, बस बना रही हूँ मैं। जब बेइज्जती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी ने चाय बनाई आज, चाय अच्छी बनी है, मैंने सिखाई बनाना। सो ये हाथ हो गया मेरा कंप्लीट, और इसके साथ मैंने पैरों में भी लगा लिया है अपने। अब रितु आएगी तो ये वाले हाथ में लगाएगी मेरे, ये वाला हाथ खाली है, उसको डिजाइन नहीं आता, मैं बताऊंगी क्या डिजाइन लगाना है। मार्केट गई है अभी, 6:30 हो रहा, बारिश बहुत तेज हो रही है फिर से, मम्मी लोग आ गए, भीगे नहीं है, बच गए, और ये सूख गया है तो जा रही हूँ उसको हटाने, और इसमें लगाऊंगी सरसों का तेल कि रेड रहे, मम्मी बोलती है सरसों के तेल से इसमें रेडनेस ज्यादा आती है। इस तरह का कलर आया है अभी इसका, मेहंदी का मेरे, और अभी सरसों तेल लगा लिया, कल मॉर्निंग तक तो कलर आ जाएगा अच्छा खासा। पैरों के भी हटा लिए मैंने, कलर आने में भी टाइम है। ऋषु पूजा कर रहा है, सारे कपड़े घर में बिखरे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। बोली तो मेरी मेहंदी लगा रही है इस वाले हाथ में, इसको मैंने बताया लगाओ, बताओ मैंने सिखाया ना, मैंने सिखाया ऐसे ऐसे करके लगाओ, ट्रिक दिया, ट्रिक देखो कैसे यूज कर रहे हैं। तो रितु ने लगा दिया मेरे हाथों में मेहंदी, इधर और इधर देखो कैसा है, और अभी खुद लगा रही है अपने इस वाले हाथ में, राइट हाथ में नहीं लेफ्ट हाथ में, क्योंकि राइट से लगा रही है, उस वाले हाथ में मैं लगा दूंगी तब तक ही मेरा सूख जाएगा, फिर मम्मी को लगाना है। नाइस ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा है रितुआ का मेहंदी है। मम्मी को मैंने मेहंदी लगाया है, दिखाएगी आप लोगों को, दिखाओ पास में करो, ये लगाया मैंने, पीछे नहीं लगवाती है, कहती है पीछे रेड नहीं होएगा तो नहीं लगाऊंगी, और रितु ने खुद से लगाया, अभी दूसरे वाले उसके हाथ पे मैं लगाऊंगी, इस वाले हाथ पे दिखा मम्मी फिर अच्छा से ऐसे, अच्छा है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कह रही है मम्मी, कह रही है जब तक सूखेगा नहीं मेरे लिए टीवी चला दो, मैं मूवी देखूंगी। तब क्या करेंगे। ए गाइस, तो अभी रात के 10:30 हो रहे और रितु को नींद आ रही है, रितु को मेहंदी लगा दी मैंने, देखो कैसा है, पीछे वाला भी दिखाओ। तो आज सबको फुल मेहंदी लगी है, मम्मी को, रितु को, मुझे, मैंने तो पैरों में भी लगाई दिखाई। चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, होप आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।